सबको जय मसीह के। परमेश्वर का अनुग्रह में आप और हम भले चंगे हैं। लॉकडाउन का समय में प्रभु ने हम लोग को यही मौका दिया कहने के लिए। प्रभु ने पहले क्या था, कह चुके थे, ऊपरी कोठरी में जाओ, दरवाजा बंद करो और प्रार्थना करते रहो। गुप्त रहने वाला मेरा पिता परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुन लेगा। लेकिन हम लोग ने अंधेर किए, अटेरी किए, जिसके कारण परमेश्वर ने हम लोग को यह मौका दिया। चाहे कोरोना वायरस का कारण हो, चाहे COVID-19 का कारण हो, हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं। आज 40-42 दिन हो गया, लेकिन एक ही काम हम लोग कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम लोग दुआ कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम लोग भजन गीत और वचन से उत्साह कर सकते हैं। वही दौरान आज हमको मन हुआ कि परमेश्वर के वचन से कुछ बातचीत करें। आज हम आप लोगों के बीच में सुसमाचार का एकत्व के बारे में थोड़ा सा बातचीत करने चाहते हैं। शुभ समाचार, इसका मतलब है कि असल खबर। यदि कोई एक कहावत है, हम सुने शादियों के, जो औरत लड़की दूसरा गांव में चले जाती, वो दूसरा गांव का कुत्ता घूम के भी उसका घर में आएगा तो वो खुश लगता है, बोला उसको, क्योंकि कम से कम अपना गांव का कुत्ता को तो देखने को मिला। मालूम है, चाहे बुराई से हो चाहे भलाई से हो, तो उसके लिए अच्छा लगा कि अपना गांव का कुत्ता को देख सकी। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, बाइबल प्रश्न बताता है असल खबर लाना ही शुभ समाचार है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उत्पत्ति के पुस्तक में प्रभु ने आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी का सृष्टि की। वही एकता का 26वां पद में आके परमेश्वर ने इंसानों को सृष्टि किया और 2:7 पद में आके हम लोग जानते हैं परमेश्वर ने इंसानों को भूमिका मिट्टी में से बनाया, अपना स्वरूप और समानता में, इंग्लिश में बोलता हिज ऑन इमेज एंड लाइकनेस बोलता। इसका मतलब परमेश्वर हम लोग जैसा, आप और हम जैसा, एक नाक दो कान एक मुंह दो आंखें, लंबा पूछ वाला नहीं है परमेश्वर मेरे प्रियो। इसका मतलब परमेश्वर ने आप और मुझे एक ही स्वरूप में एक ही समानता में बनाया है, बना लिया, आदम को बनाया और परमेश्वर ने आदम को जिम्मेदारी दी चौकीदारी करने के लिए, वो भी अदन का बगीचा में। वहां वचन ऐसा कहता है 2:17 पद में, यह ऐसा बोलता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये बहुत बड़ा आज्ञा है परमेश्वर ने आदम को दिया परखने के लिए। मेरे प्रियो, तब तक आदम अकेला है जब तक परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। तब फिर परमेश्वर यहां कहता आदम को अकेला ना रहना अच्छा नहीं है। तब फिर परमेश्वर 19 पद में कहता है, परमेश्वर ने भूमि का सब जाति में बनेले पशु में आकाश का सारा चीज बनाया और आदम को दिया, उसमें आदम को रखवाली करने के लिए दिया। यहां बोलता है कि जिसने बनाया था उसमें सांप सबसे दूरता था। तब 21 पद बोलता, तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और तब वह सो गया। तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तो आदम ने कहा, अब वह मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में की मांस है, इसका नाम नारी होगा क्योंकि नर में से निकाली गई है। इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और एक ही होंगे। हालेलुया मेरे प्रिय, कोई धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता। आदम में से निकाला हुआ हवा, तब भी इन लोगों का कर्तव्य था चौकीदारी करना। आदम को परमेश्वर जो चीजें कहा था वो चीज आदम ने अपना पत्नी को भी बोला होगा, हम लोग जान सकते हैं। तब ना आदम हवा को मालूम था कि पेड़ का फल खाना नहीं है। तब धूर्त सांप के रूप में शैतान आता और हवा को बहका देता, देख जो दिन ये फल तुम खाओगे तुम लोगों का आंख खुलेगा। मेरे प्रियो, बहकाने वाला बहुत चीज मिलता है अभी भी आप और मेरे जीवन में, देखने में सुंदर और मन भावनी, और उसने तोड़ ली, थोड़ा सा चख ली
और अपना पति को दे दी। मेरे प्रियो, पति पत्नी का प्रेम इसी से प्रकट होता है, उसने लेके गई और अपना पति को दी। जैसे पति ने खाया, एक दूसरा का नंगा देखते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था, जो दिन खाओगे तुम मरोगे। मेरे प्रियो, ये फल खाने के आगे परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, एक ही प्रपोज, एक ही उद्देश्य था कि परमेश्वर अपना लोगों से या इंसानों से, आदम हवा से संगति करते थे सुबह शाम। अब ये लोग ने नंगा अपने आप को देखा, छिप गए। सदा का जैसा परमेश्वर अदन का बगीचा में आदम के साथ संगति करने आ गए, आते समय ये लोग ने परमेश्वर का आहट को सुन लिया और ये लोग अपने आप को छिप गए। अंजीर का पत्ता तोड़ के ये लोग ने अपने आप को नंगापन को ढकने का कोशिश किए। तब परमेश्वर कहते हैं, आदम आदम तू किधर छिपा हुआ है? क्या मैंने मना किया फल तूने खा लिया? तो आदम कहता, प्रभु जो स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया था वही स्त्री ने मुझे बहका दिया। मेरे प्रियो, पर आदम या बहाना करता, जो स्त्री ने, स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया था, मुझे सहयोग करने के लिए दिया था, उसने मुझे बहका दी। और फिर स्त्री को परमेश्वर पूछता, हवा तूने यह क्या किया? हवा बोलती, सांप ने मुझे छल किया है प्रभु। तब परमेश्वर सांप को बोलते हैं, तू श्रापित होगा सारा जनवार में। इसे आगे का सांप का पैर था नहीं था हम लोग नहीं जानते। तू जिंदगी भर मिट्टी चाटा करेगा और स्त्री का संतान तेरा सर को कुचल डालेगा और तू उसका एडी को डसेगा। मेरे प्रियो, हवा सांप को यह हो गया दंड। हवा को बोला, तेरा बच्चा जच्चा क्रीड़ा का समय बहुत दर्द के साथ तू बच्चा को जनेगी, तो भी तेरा प्रेम तेरा पति के तरफ जाएगा। मेरे प्रियो, जितना हम लोग पापा और माए हम लोग जानते हैं, एक बार डिलीवरी होने के बाद दूसरा बार काय होंगे, नहीं होंगे बोलता, लेकिन समय बीत जाने के बाद फिर वही समय आता, क्योंकि प्रेम का भाव वहां प्रकट होता है। और फिर दूसरा चीज, आदम को बोलता, पृथ्वी तेरे लिए अंगारे और कांटे उगेगी और तू वहां पसीना, माथे का पसीना चुआएगा और अपना परिवार को देखभाल करेगा। मेरे प्रियो, ये दंड था तीनों जन के लिए, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करना ही दंड हुआ। मैं यहां आपको बता रहा हूं सुसमाचार का एकत्व के बारे में, क्यों परमेश्वर को आवश्यकता पड़ा सुसमाचार के रूप में यीशु प्रभु को संसार में भेजना। क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा को इंसान ने उल्लंघन किया। परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया था इंसान को, ताकि परमेश्वर अपना संगति उसके साथ करे। अभी टूट गया, जब पाप का फल खा गए लोग, तब तो संगति टूट गया परमेश्वर के साथ। लोग एक दूसरे का नंगा देखें तो इसके बाद में वही लोगों का संतान पैदा होते हैं और संतान में मर्डर होता है, एक दूसरा हत्याएं होती है और उसके बाद नाना बाती वहां होता, पाप बढ़ जाता। परमेश्वर जल प्रलय उत्पत्ति 6 में बोलता, जल प्रलय भेजा और फिर उसके बाद में 11 अध्याय में बचा हुआ लोग एक बाबेल का धर्रा को बनाने लगते हैं। मेरे प्रियो, ये लोग कहते हैं, अभी हम लोग जनसंख्या में बढ़ गए, इधर उधर जाएंगे, जहां जाए उसे जाने का आगे एक हम लोग बनाए स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। ये लोग का मन एक था, तब परमेश्वर ने कहा, ये लोग का मन एक है, मस्जिद एक है, ये लोग आटेंगे तो पूरा होगा। तब चलो हम लोग ये लोग का आवाज को, ये लोग का काम को हम लोग गड़बड़ कर देंगे। मेरे प्रियो, तब तो यहाँ होता है घटना, बाबिल का जो धरा था, यहाँ ये लोग का भाषा गड़बड़ होता है, लोग इधर उधर छिन्ना भिन्न होते हैं। तब परमेश्वर को बहुत कुछ यहां करना पड़ा, मूसा को उसको खड़ा करना पड़ा और मूसा के द्वारा वहां व्यवस्था को दिया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा ही लोगों का पापों को यहां क्षमा होता था। पाप साल भर करते थे, खसी बोका और मुर्गा और रंगा जो भी हो वो लोग लहू को बहाते थे और पाप को साल भर के लिए धुलाया जाता था, वो भी पुजारियों के द्वारा। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने यह सही नहीं हुआ परमेश्वर के सामने, तब उसने निर्णय किया, मैं पुत्र के रूप में अवश्य पृथ्वी में जाऊंगा। मेरे प्रिय, इस चीज सारा धर्म ग्रंथ में है, क्योंकि सुसमाचार के एकत्व में यही बात आती। मैं आने वाला दिन लगातार इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा और आगे आप लोगों को कहूंगा। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह करे और परमेश्वर अपना सुसमाचार के अनुसार आप पर मुझे शांति और आनंद का जीवन दे और आशीष पाए। जय।